सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्काइप के ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है स्टूडेंट्स? जरा चैट के जरिए बताएं कि आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा पाँचवीं के ई लर्निंग हिंदी के क्लास में। हम लोग स्काइप के लाइव क्लासेस में हैं। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बच्चों अपने वीडियोज़ ऑफ कर दीजिए, है ना, आपके वीडियोस ऑफ कर दीजिए स्टूडेंट्स, अपने वीडियोस ऑफ कर दीजिए, बिल्कुल वीडियोस बंद कर दीजिए, सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ आवर क्लास। क्या मैं आप लोगों को नजर आ रही हूँ? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एम आई विजिबल टू यू स्टूडेंट्स? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, नाउ एम आई विजिबल? अभी नजर आ रही हूं मैं? आई थिंक नाउ आई एम विजिबल, इजंट इट? अभी शायद आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, है ना? ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए, आई एम फाइन डियर। ओ अच्छा, चलिए तो कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो विद्यार्थियों, हम आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो हैं पढ़ रहे थे जो चैप्टर व्याकरण में, उसका नाम था लिंग। क्या नाम था? उसका नाम था लिंग। ठीक है, उसका नाम लिंग है। तो अब ये जो लिंग का पाठ है, हम लोग कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं। मैंने आप लोगों से कहा कि हम लोगों ने इसका थियोरेटिकल पार्ट लिटिल बिट कर लिया है, अब जो है हम इसके प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे। तो उस दिन हम लोग लिंग बदलने के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? क्या मैं सृजन को स्वस्तिका और रजत को नंदिता बुलाऊं? मुझे देख नहीं पा रहे हैं? मुझे तो लग रहा है मैं नजर आ रही हूं आप लोगों को, अभी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? नाउ एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर। आई थिंक आई एम विजिबल टू यू ऑल। चलिए ठीक है, तो हाँ, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग दैट यू कैन सी मी। यस यस आरुष, यू आर राइट। तो विद्यार्थियों,
हमने लिंग के बारे में जाना था कि लिंग किसे कहते हैं, फिर लिंग के दो मतलब जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने क्या जाना है, हमने उसके बाद ये जाना है कि लिंग के दो भेद हैं, एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग। तो मैंने बोला मैं आप लोगों के प्रैक्टिकल नॉलेज का टेस्ट लेने वाली हूँ, तो आज मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स के ऊपर देखती हूँ, ठीक है। तो मुझे बताइए आप लोग, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि भारत, ये जो भारत नामक शब्द है, आप लोग मुझे इसका लिंग निर्णय करके बताइए कि भारत का लिंग क्या है, बताइए। पुल्लिंग, अच्छा सोमोजित का आंसर मिला है पुल्लिंग, और कोई, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आर्योश, फिर स्वस्तिका ना, सृजन नहीं तो, आदित्य, वेरी गुड, ठीक है। तो भारत है पुल्लिंग, वेरी गुड एंड थैंक यू पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया पुल्लिंग, अच्छा उसके बाद मैं लिख रही हूँ प्रथमा, ये एक तिथि का नाम है, तो मुझे बताएं विद्यार्थियों ये प्रथमा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आप लोग चाहें तो एक बार के लिए ऑडियो ऑन करके मुझे ऑडियो के थ्रू भी बोल सकते हैं। स्त्रीलिंग, ठीक है, सोमोजीत, आदित्य, आर्योश, सृजन, कन्नन, अच्छा ठीक है। तो ये है स्त्रीलिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आप लोग जानते हो विद्यार्थियों सबसे अच्छा एक टीचर के लिए अनुभव क्या रहता है, एक सबसे अच्छी अनुभूति ये रहती है कि जब उसके विद्यार्थी पढ़ाए हुए चीज को आपको सही सही बता पाएं, तो लगता है कि आपका पढ़ाना सार्थक हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन, थैंक यू सो मच। तो इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है ना, अच्छा। तो मैं और एक आध शब्द देख करके देख देती हूँ कि आप लोगों को सही में समझ में आया है कि नहीं। अच्छा मुझे बताएं ये जो शब्द है मित्रता, ये मित्रता शब्द में कौन सा लिंग है, मित्रता शब्द में कौन सा लिंग है, मित्रता शब्द में पुल्लिंग है, अच्छा सृजन के अनुसार मित्रता शब्द में पुल्लिंग है, और मुझे एक जन का जवाब मिला है ये मित्रता में कौन सा लिंग है, आई वॉन्ट टू नो दैट, माई क्वेश्चन इज मित्रता शब्द में कौन सा लिंग है, जेहान ने कहा पुल्लिंग, सृजन ने कहा पुल्लिंग, सोमोजीत ने कहा स्त्रीलिंग, अच्छा और देखते हैं, जल्दी बताओ स्टूडेंट्स, कन्नन कह रही है पुल्लिंग, आरिष कह रहा है पुल्लिंग, तो यहां विद्यार्थियों आदित्य भी कह रहा है पुल्लिंग। तो देखिए विद्यार्थियों यहां आप लोगों से थोड़ी सी चूक हो रही है, जहां भी इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं
जहाँ पर ना तो वो स्त्री होते हैं और ना ही पुरुष होते हैं, वहीं पर समझ में आता है कि आपने कितना ठीक से पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। मैं कह रही हूँ आपने पढ़ा है, ये चीज़ आप लोगों के लिए नया है, तो हो सकता है कि अभी आप लोग उतने इसके लिए एक्सटेम्ड नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है विद्यार्थियों, क्योंकि यह शब्द स्त्रीलिंग का शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। मित्रता स्त्रीलिंग है, क्यों है? ऐसे ही नहीं है, नियम के अनुसार है। बोला गया है जहाँ पर ता प्रत्यय लगता है, अंत में ता शब्द का प्रयोग होता है, जिन शब्द के अंत में ता का प्रयोग होता है वहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द रहता है। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्दों में जिन शब्द के अंत में ता रहता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों से थोड़ी सी चूक हो गई है। हाँ सोमजीत, केवल आपका ही जवाब सही था इस मामले में। ठीक है, तो ये केवल जहाँ पर ता लगता है वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से केवल वही नहीं, आपका जहाँ पर भी मतलब आप लोगों का देखिएगा कि मतलब इन है, आइन है, आनी है, ई है, बड़ी ई, इया, ये सब है, वहाँ पर जो है स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मित्रता, इसी तरह से बड़ी ई से क्या होगा, जैसे बोली। ठीक है, हाँ सोमोजीत आप सही कह रहे हैं, जैसे बड़ी ई से क्या होगा, बड़ी ई से होगा बोली। ठीक है, तो फिर वहाँ पर भी जो है स्त्रीलिंग होता है, जहाँ पर मतलब लास्ट में बड़ी ई होता है, जैसे बोली। बोली एक शब्द है, मैंने कहा आप लोगों से बोली के अलावा। अच्छा आयुषी, आपने भी लिखा था, ठीक है बेटा, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से सारे मैसेज तुरंत आते नहीं हैं, तो हो सकता है मुझे तब नहीं मिला हो, बाद में आपने बता दिया, वेरी गुड एंड राइट आंसर। ठीक है, तो ठीक है, तो फिर अब मुझे आप लोग ये बताइए कि बड़ी ई से बड़ी ई प्रत्यय लगने वाला कोई ऐसा शब्द बताइए, क्योंकि बड़ी ई वाले सारे शब्द जिसके अंत में बड़ी ई की प्रत्यय होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, तो मुझे बड़ी ई से समाप्त होने वाला ऐसा कोई शब्द बताइए। मैं आप लोगों के रेस्पॉन्स का इंतज़ार कर रही हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रही हूँ टाइप कर रहे हैं, बहुत खुशी होती है जब आप लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा लगता है, मालूम है कि जैसे आप लोग मेरे सामने ही हैं, कक्षा में हैं। कुर्सी, अच्छा, टोकरी, सब कोई कुर्सी लिख रहा है, कुर्सी में बैठे बैठे आप लोगों को कुर्सी ज़्यादा पसंद आ रही है, कुर्सी, टोकरी, और बताएं, कुर्सी टोकरी के अलावा लाठी, आरुष बोल रहा है लाठी, और शेरनी, ठीक है, अच्छा शेरनी बोला आयुषी ने, लाठी नंदिता यानी कि रजत बोल रहा है, लोमड़ी, ठीक है, उसके बाद गुरुमुखी, सोमजीत ने कहा गुरुमुखी, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इसका मतलब आप लोग समझ गए हैं, जिन अंत में ई रहता है बड़ी ई वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। आप लोग इसको जानने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग इसको जानने के लिए जब कभी भी आप गड़बड़ा जाएं, आप लोग देखिएगा कान में सुन सुन कर हम लोगों को एक हैबिट हो गया है, गलत सुनते हैं तो सही अगर मालूम भी नहीं है तो गलत कान में खलता है। तो आप देखिए कि यदि आप मतलब किसी शब्द का लिंग निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो उससे एक वाक्य बना के मन ही मन सोचिए, आपको लिंग का पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कहा कि जैसे टोकरी, ठीक है, तो
टोकरी से एक वाक्य हम लोग सोचते हैं जहां पर लिंग का पता चले, जैसे कि टोकरी में रखे आमों की बात ही कुछ और है, टोकरी में रखे आमों की बात ही कुछ और है। तो की बोला मैंने, की यानी कब लगता है, स्त्रीलिंग में लगता है, तो यानी कि टोकरी स्त्रीलिंग है तभी लगा। तो ये मोरनी रानी, अच्छा ये मैं मिस कर गई, ठीक है बाकी बच्चों का भी लिख देती हूँ। रानी, अच्छा रानी बोला है, किसने बोला है रानी, कन्नन बेटे ने बोला है और शोमिली ने बोला है मोरनी। हाँ बच्चों, जैसे मोरनी जो है, मोरनी जो है ये क्या करती है, मोरनी बरसात के समय नाचने लगी। तो ये लगी जब हो गया तभी आप समझ गए कि ये स्त्रीलिंग शब्द था। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐसे पुल्लिंग शब्द होते हैं जहाँ पर कि देख करके आप समझ नहीं पाते हैं लेकिन वो पुल्लिंग होता है। जैसे कि यहाँ पर बड़ी ई है तो वैसे ही वहाँ पर जो है आ है, आ आ प्रत्यय जब भी लगता है तब भी वहाँ पर पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग शायद जानते भी हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हम लोग कर रहे हैं। तो आ प्रत्यय जहाँ पर भी लगा वहाँ पुल्लिंग हो जाता है। इसके अलावा जो है पन प्रत्यय जहाँ पर लगा वहाँ पर भी पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मतलब जो देख करके आप समझ नहीं पाएंगे मैं वैसा वाला बता रही हूँ, कुछ तो बहुत क्लियर हैं पता चल जाता है। ठीक है, पन हो गया, फिर आ हो गया, फिर पा, फिर अक, इस प्रकार और भी हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ये सारे जो मतलब प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय मतलब शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश जो होता है वो सारे जो हैं ये क्या है, ये जो सारे शब्द हैं ये क्या है, ये हमारे जो हैं आपके मतलब पुलिंग शब्द की कैटेगरी में आते हैं। अब आ से एक सिंपल लगा देते हैं लड़का, मैं एक एक सैंपल आप लोगों को दिखा देती हूँ। आ से जैसे लड़का, पन से जैसे हम लोग लिखते हैं लड़कपन, लड़कपन बचपन है ना। उसके बाद पा, पा से हम लोग एक शब्द लिख देते हैं बुढ़ापा। ठीक है, उसके बाद अक से एक लिख देते हैं गायक। तो ये सारे शब्द हमारे पुलिंग के शब्द हैं। अब आप लोगों का टास्क क्या है, आप लोगों में से सभी मुझे किसी भी एक एक कैटेगरी का एक एक शब्द बताइए। तो क्या क्या मुझे शब्द मिले, लड़का तो मैंने लिख दिया है, बचपन, पापा, डिबिया, गायक मैंने लिखा है, नायक। ठीक है, ईया प्रत्यय मैंने अभी लिखा नहीं है बच्चों, तो बचपन, पापा, उसके बाद गायक के साथ नायक। ठीक है, लेकिन पा से और कोई शब्द नहीं मिल रहा है इस पोर्शन में, कुछ शब्द बताइए आप लोग। भोलापन, वेरी गुड, लेकिन पा में कुछ नहीं बता रहे हैं आप लोग, पा से बताइए मुझे। पायक क्या होता है, पायक कुछ नहीं होता है, मोटा,
पाताल, पाताल में कहाँ पाप प्रत्यय कहाँ है, आ भी नहीं है, आँख भी नहीं है, बुढ़ापा, बुढ़ापा आई थिंक आई हैव रिटन, हाँ बुढ़ापा के बाद क्या आप लोग पाप प्रत्यय से और कोई शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं बुढ़ापा के अलावा? क्यों? मोटापा ऐसा शब्द सुना है? ठीक है चलिए, तो प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब हो जाएगा, हाँ तो आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर लेंगे, मैं जानती हूँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसका मतलब सीख गए हैं। इसके बाद जो है हमने किया था जो वो था आ और ई लगाकर चेंज करना, जैसे सुत से सुता, पुत्र से पुत्री, फिर छात्र से छात्रा, नर से नारी, आचार्य से आचार्या, मीठा, हाँ ठीक है बच्चों अब रहने दो, कटोरा से कटोरी। इसके अलावा मैंने कहा था कि कैसे जो है आ ई में परिवर्तित हो जाता है, जैसे लड़का लड़की में परिवर्तित हो जाता है, ये भी हमने पढ़ा था, इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। हाँ मीठापन, ठीक है बच्चों रहने देते हैं, आज समय का अभाव हो गया है, अब हम लोगों को आप लोगों से विदा भी लेने की बारी आ गई है, तो आप लोग ज़रा मुझे अपने अटेंडेंस दे दीजिए, उसके बाद अगर थोड़ा सा समय रहेगा तो हम लोग कुछ और भी कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा बच्चों अटेंडेंस अपना दे दीजिए मुझे, प्रेजेंट लिख दीजिए स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर समय रहेगा तो थोड़ी देर हम कर देंगे। सबसे पहले रजत, फिर आयुषी, उसके बाद सौम्यजीत, अच्छा आयुषी, रजत, सौम्यजीत, आदित्य, कन्नन, दयामय, आरुष, सौमिली, सृजन, ठीक है मैं एक बार सबके नाम ले लेती हूँ, आप लोग सुन लीजिए, अगर कोई मिस हो रहा है तो वो केवल अपना प्रेजेंट दीजिए। रजत, आयुषी, सौम्यजीत, आदित्य, कन्नन, दयामय, आरुष, सौमिली, सृजन, एनीबडी एल्स, और कोई बाकी है? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि किस प्रकार से हम लोग आ से ई में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो है हम लोग आ से ई में परिवर्तित कर सकते हैं, आ लड़का इसको हम लोग लड़की बना सकते हैं, आ से ई में परिवर्तित कर सकते हैं, आ को हमने ई बड़ी ई में परिवर्तित करके हम लोग कर सकते हैं, और जहाँ पर अ है अ को हम लोग जो है आ या ई बना सकते हैं, अ जैसे कि सुत, सुत मतलब लड़का, सुता लड़की, और ई आ का ई तो हमने आपने देख लिया है, और अ का भी होता है जैसे कि छात्र, आप लोग क्या है स्टूडेंट्स हैं, छात्र, इसका बन गया छात्रा, तो इस प्रकार से आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी तक मैंने आप लोगों को जितना भी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में जो भी पढ़ाया है, आई थिंक यू हैव ऑल ग्रास्प्ड इट वेरी वेल, यू हैव अंडरस्टूड इट, तो इसका मतलब मैं नेक्स्ट डे जो है पाठ को आगे बढ़ा सकती हूँ, है ना मेरे विद्यार्थियों? ठीक है विद्यार्थियों, आज समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का, अगले कक्षा में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, त्यौहार को भी सुरक्षित होकर सबके साथ खुशी खुशी मनाइए, बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स।